कौन सा पिन ले ना ले, क्या करे ना करे, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। कभी कभी हम दुकान में जाते हैं तो हम हेडफोन लेते हैं या रिकॉर्डिंग का कोई पिन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे लेके आ जाते हैं। मगर कभी आपने सोचा है कि ये जो पिन है इसमें जो आपको ये रिंग बने होते हैं, मैं आपको इसको आपको जो जूम करके दिखाऊंगा और इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में दिखाऊंगा। ये जो पिन होते हैं आपको मैं थोड़ा आपको यहाँ जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर रिंग बना हुआ है। ये जो आपको रिंग होते हैं इसका क्या मतलब होता है, कभी आपने सोचा है नहीं सोचा है? इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको ऐसे ही नए नए ट्रिक लेके आता रहता हूँ आपके लिए, जो आपके फ़ायदेमंद के लिए होता है और आप इससे अच्छी खासी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि ये जो रिंग बने होते हैं इसके क्या मतलब होते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप जाना। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ कि अगर आप हेडफोन लेते हैं, कोई रिकॉर्डिंग का पिन लेते हैं तो आपको जो है यहाँ पर रिंग बने होते हैं 1 2 3 करके, इसका क्या मतलब होता है और इसका जो है यूज कैसे होता है और आपको इससे क्या बेनिफिट है और इससे आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अगर आप जाते हैं मार्केट में अगर आप जो पिन लेते हैं और दुकानदार जो है आपको दे देता है, आप लेके आ जाते हैं, अगर आप इस बात को ध्यान नहीं देते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है, अगर आपको सही दे दिया तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बनना होगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि आपका जो है हेडफोन या कोई चार्जिंग का पिन दे रहा है या आपको रिकॉर्डिंग का पिन दे रहा है वो जो है 1 रिंग का है, 2 रिंग का है, 3 रिंग का है, आपको कहीं ठग तो नहीं रहा, कहीं आपको पॉपर तो नहीं बना रहा है। इस वीडियो में आपको लास्ट तक बनना होगा ये समझने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी मार्केट में जाते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं हेडफोन या रिकॉर्डिंग पिन तो आप ध्यान देते हैं कि ये जो सिंबल है आपका जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये रिंग बना हुआ है, 1 रिंग बना हुआ है, यहाँ 2 रिंग बना हुआ है और यहाँ पर 3 रिंग बना हुआ है। ये 1 रिंग 2 रिंग और 3 रिंग का क्या मतलब होता है नहीं जानते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो 5% लोग ही इसका मतलब जानते हैं और 95% लोग हैं जो इसका मतलब नहीं जानते हैं। वो तो बस जानते हैं भैया हम चलो हम मार्केट से अपना हेडफोन ले आए, ये जो है आवाज़ क्लियरिटी देता ही होगा। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आवाज़ क्लियरिटी के लिए लेना ही है तो ये सब जो मैं बताने वाला हूं इसको आप चेक कर लीजिए कि आप जो ले रहे हैं पिन कहीं 1 में तो ही आवाज़ नहीं आ रहा है, कहीं 2 में तो नहीं आ रहा है, कहीं ये दोनों में तो नहीं आ रहा है, कहीं 1 में आ रहा है तो 1 में नहीं आ रहा है, या आप जो है रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग के टाइम में रिकॉर्डिंग ही नहीं होता है। आप लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, इसके बाद में चेक करते हैं तो सोचते हैं अरे भैया ये तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, ये कहीं तो ख़राब तो नहीं है। जबकि आप जो है हेडफोन लगा के सुनते हैं तो आप सोचते हैं अरे ये अब तो आवाज़ आ रही है, रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं आ रही थी। ये सारे कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिंग जो है, पहला जो यहाँ पे रिंग बना हुआ होता है ये आपको जो होता है मोनो साउंड, मतलब आपको जो है ये जो एक रिंग रहेगा आपको यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिंग जो ये रहेगा, पूरे में 2 रिंग नहीं रहेगा, सिर्फ 1 रिंग रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आप बहुत से जो है हेडफोन देखते होएगा जिसमें एक आपको यहाँ पर रिंग मिल जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है अगर आप कान में हेडफोन सुन रहे हैं तो आपको एक ही साइड में सुनाई देगा, एक ही कान में, या तो लेफ्ट में या तो राइट कान में आपको सुनाई देगा, बाकी जो है एक तरफ नहीं सुनाई देगा। तो एक रिंग का मतलब ये होता है। अब बहुत सारे जो चार्जर जो देखते होइएगा इसमें है 2 रिंग रहेगा, 1 2, ये तीसरा नहीं रहेगा। अब भैया ये 2 रिंग का क्या मतलब है, बहुत सारे इसमें भी कन्फ्यूजन रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 2 रिंग का ये मतलब होता है कि आप जो हेडफोन सुनते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं हेडफोन यहाँ पर सुनते हैं, तो यहाँ पर ये 2 रिंग का मतलब होगा कि यहाँ पर ये दोनों में भी आपका आवाज़ आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अगर यहाँ पर आपका 1 रिंग बना रहेगा तो आपको या तो राइट में आएगा तो लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में आएगा तो राइट में नहीं, तो इसका ये मतलब होता है रिंग का मतलब। अब भैया ये 3 का मतलब क्या होता है,
अब बताओ, अब तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि भैया अब तीन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर दो ही है हेडफोन, अब तीसरा कहाँ से यहाँ पर पैदा हो गया, अब मैं कैसे समझूँ कि ये तीन का क्या मतलब होता है। तो ये भी जो है 95% लोग नहीं जानते हैं कि ये तीन जो रिंग बना हुआ है, ये तीन रिंग का क्या मतलब होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीन रिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा रिंग का मतलब, पहला तो हो गया कि आपको एक में आएगा एक में नहीं आएगा, दूसरा हो गया कि आपको ये दोनों में साउंड आएगा, ये दोनों में साउंड आएगा, ठीक है। और तीसरा हो गया कि आप इस दोनों में साउंड तो आपको आएगा ही आएगा, इसके अलावा अगर आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको जो माइक का साउंड होता है, वो माइक का साउंड ये तीसरा रिंग से आने वाला है। अगर आपका जो है ये तीसरा रिंग नहीं रहेगा, तो अगर आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं कहीं आप मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी ट्यूटोरियल बनाते हैं, तो ट्यूटोरियल बनाते टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपका जो है आपका वॉइस आएगा ही नहीं, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग तो लगा दीजिएगा, करते रहिएगा रिकॉर्डिंग वगैरह सुन करने के लिए कहीं भी, तो आप जो है रिकॉर्डिंग के टाइम में जो है सोचिएगा कि अरे मेरा माइक काम नहीं कर रहा है, तो ये माइक का ऑप्शन है, ये आपका माइक काम करेगा। अगर अब ये थ्री रिंग नहीं रहेगा तो आप जो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, आप देखिए होइएगा बहुत सारे माइक जो होते हैं उसमें आपको ये तीन रिंग मिलेगा, है ना। तो वो जो रिकॉर्डिंग का होता है माइक का होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं रहेगा तो सिर्फ आपको जो है सुनने वाला रहेगा, आप लगा दीजिएगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। चाहे आप कितना भी वीडियो, कितना बड़ा वीडियो बना लीजिए या कितना छोटा वीडियो बना लीजिए, आपका जो है माइक काम नहीं करेगा या अगर ये रिंग नहीं होगा तो ये आपका जो है बहुत ही पावरफुल और मोस्ट ऑप्शन होता है ये तीन रिंग का मतलब। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे वन रिंग, टू रिंग और थ्री रिंग का क्या मतलब होता है। अब आपसे कोई भी आदमी कहीं भी पूछ देगा कि भैया ये इसका जो क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है, तो अब तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि हाँ भैया यहाँ वन का मतलब होता है कि आपको राइट में आएगा आवाज़ तो लेफ्ट में नहीं, लेफ्ट में आएगा तो राइट में नहीं, ये पूरा प्लेन रहेगा, सिर्फ एक यहाँ पर सिंबल रहेगा। दो रहेगा तो आप किसी को भी समझा दोगे कि भैया ये दोनों में आवाज़ आ सकता है, आएगा इसमें भी आएगा, लेफ्ट और राइट दोनों में आएगा। और तीन रिंग का मतलब होता है कि भैया आपको ये दोनों में तो आएगा ही आएगा, बट आपका ये माइक का भी होता है, माइक जो मतलब रिकॉर्डिंग करते कि आपको साउंड भी आपको आएगा, रिकॉर्डिंग क्लियरिटी होगा। तो यहाँ पे ये मतलब होता है, यहाँ पे ये जो रिंग का, अब ये जो है सिंबल का, तो अब तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ये जो रिंग होता है इसका क्या मतलब होता है। तो आपके इस वीडियो में ये पता चल गया होगा कि ये जो रिंग है इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज होता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं आप सबके लिए पर डे लाते रहता हूँ। यहाँ पे जो है वन रिंग का मतलब आप तो समझ गए होंगे, चलिए मैं इसको आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि वन रिंग का मतलब, यहाँ पे वन ऑप्शन रहेगा तो इसको आप मोनो साउंड कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे आप जो है स्ट्रीम साउंड कह सकते हैं इसको, यहाँ पे तीसरे वाले पे स्ट्रीम साउंड कह सकते हैं, और यहाँ पे तीसरा रहेगा तो यहाँ पे आपको स्ट्रीम साउंड एंड माइक्रो कह सकते हैं इसको। यहाँ पे वन रिंग रहेगा इसको आप जो है मोनो साउंड बोल सकते हैं, दूसरा को आप जो है स्ट्रीम साउंड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में सुनाई देगा, और तीसरा इसको आप जो इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रीम साउंड एंड माइक। तो तीसरा आपको ये हो जाता है, पहला मोनो, दूसरा स्ट्रीम साउंड, और तीसरा हो जाता है स्ट्रीम साउंड एंड माइक का। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस, अगर आपने ये जो आपका पिन है ये आप देख लेते हैं, रिंग बना हुआ है, आप जान लेते हैं कि वन रिंग का है, टू रिंग का है, थ्री रिंग का है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप मार्केट में जाते हैं, दुकानदार से कह के लेते हैं कि हमको हेडफोन चाहिए, तो आप ये देख लीजिए कि आपको जो ले रहे हैं हेडफोन, जो आपको ईयरफोन ले रहे हैं, उसमें जो आपका ये तीन रिंग बना हुआ है या नहीं है। अगर ये तीन रिंग नहीं बना हुआ है तो समझ लीजिए आप तो, आपको जो दुकानदार है वो आपको पोपट बना रहा है, उल्लू बना रहा है ओरिजिनल के नाम पर। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो तीन रिंग है इसका क्या मतलब होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।